वाराणसी के कैंट थाना क्षेत्र पुलिस ने 25,000 के एक इनामी बदमाश को गिरफ्तार किया है। आरोपी ने साल 2016 में एक ऑटो रिक्शा में लूट की घटना को अंजाम दिया था। आरोपी तभी से फरार चल रहा था, जिसे पुलिस ने चेकिंग के दौरान धर दबोचा। और ये 2016 से ही वांछित चल रहा था, जिससे 25,000 रुपए का इनाम भी घोषित था। जो उस वक्त एक घटना किया था, रात में टेम्पो में जो दंपत्ति जा रहे थे, उनके रिवाल्वर, उनका पैसा, ज्वेलरी, सारी कुछ चीजें बड़े ब्रूटली तरीके से छीन ली गई थी। और इसके लगातार प्रयास इस टीम को पकड़ने के लिए लगी हुई थी हमारी टीम। इससे दो मुलजिम तो गिरफ्तार हो गए थे, लेकिन ये भाग के अब जानकारी मिली कि बंगलौर में रह रहा था। इसके मूवमेंट की सूचना मिली तो पुलिस ने इसको धर दबोचा है। इसने पूरी घटना को बताया और इसके बीच के दो साल के जो कार्यकालों में ये जहाँ तक छिप के रहा, जानकारियाँ मिली है। हम वहाँ से भी इन चीज़ों को तस्दीक कराएंगे कि वहाँ भी कोई क्राइम किया कि नहीं किया है। लेकिन इस तरह के गिरोह जो टेम्पो में बैठा करके पैसेंजर्स को लूटते हैं और इतने दिनों तक गायब था, ये गिरफ्तारी एक बड़ी कामयाबी है, क्योंकि इस पर 25,000 का इनाम भी घोषित था। इसको गिरफ्तार करके जेल भेजा जा रहा है और इस तरह के अपराधों पर अंकुश लगेगा।